नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग पोलर फ्रंट्स थ्योरी जो है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ये क्वेश्चन 39th बीपीएससी में आपके ज्योग्राफी में मेंस में पूछा गया था, जिसमें था कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत की चर्चा करें और उसके जो चक्रवात की जो लाइफ साइकिल है फिर उसका वर्णन करें। तो देखिए, अगर ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी जो है, अगर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों को जो है वो शीतोष्ण चक्रवात के बारे में बात करनी है। आपको पता होगा कि चक्रवात जो है वो दो तरीके के होते हैं, जिसमें हम लोग शीतोष्ण चक्रवात की बात करेंगे। और शीतोष्ण चक्रवात जो है उसको टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। इसके अलावा उसके अन्य नामों में देखा जाए तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वेव साइक्लोन है। तो ये सब जो है शीतोष्ण चक्रवात के नाम हैं। और अगर शीतोष्ण चक्रवात की हम उत्पत्ति की बात करें, तो शीतोष्ण चक्रवात जो है वो मिड लैटिट्यूड में होता है, में उत्पन्न होता है। उससे पहले आपको थोड़ा सा जो विंड का पैटर्न है, विंड के पैटर्न को समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ग्लोब में आप अगर विंड के पैटर्न को देखेंगे, तो विंड का जो पैटर्न है, हवा आपको पता है कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है, तो हवा का पैटर्न जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये पोलर रीजन हो जाता है, और ये आपका 23.5 डिग्री, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो ये दोनों जो एरिया होता है, ट्रॉपिक्स के जो एरिया होते हैं, ट्रॉपिक्स के जो बीच का एरिया होता है, वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो जनरेट होगा। और उसके ऊपर का जो हिस्सा है ये मिड लेटिट्यूड का हिस्सा हो जाता है। जनरल देखा जाए तो NCERT जो है वो मिड लेटिट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री को मानता है। इसके अलावा और भी जो राइटर हैं वो 35 से 65 डिग्री को मिड लेटिट्यूड मानते हैं। तो ये आपका आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री। तो लगभग ये वाला जो एरिया हो गया मिड लैटिट्यूड, यहाँ भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद का जो एरिया हो जाएगा वो मिड लैटिट्यूड हो जाएगा। तो आपके जो शीतोष्ण चक्रवात है वो मुख्य रूप से मिड लैटिट्यूड और साउथ हेमिस्फेयर में भी मिड लैटिट्यूड में चलता है। तो ये हवा का पैटर्न हो गया। और अगर हम शीतोष्ण चक्रवात की बात करें, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति की, तो जैसे बताया कि शीतोष्ण चक्रवात की अगर उत्पत्ति का के पहले सिद्धांत की बात करें, तो सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो फिट्ज़राय नामक जो ज्योग्राफर थे उन्होंने दिया था। ये 1863 के आसपास आया था। उसके बाद अंबर क्रॉम्बी थे, इन्होंने जो है वो शीतोष्ण कटिबंध की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए था। उसके बाद नॉर्वे के वैज्ञानिक थे वी वर्कनीस एंड जे वर्कनीस, इन्होंने जो है 1917-18 के आसपास पोलर फ्रंट थ्योरी जो है वो दी थी। तो इस सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो पोलर फ्रंट की उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से शीतोष्ण चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से वाताग्र के निर्माण से शुरू होती है। और अब वाताग्र की बात करें, तो वाताग्र जो होता है वो जो दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियाँ जब आकर के मिलती हैं, तो एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ पर कि वाताग्र की उत्पत्ति होती है। तो मान लीजिए कि आपका, अगर हम ये चीज़ हम सिर्फ शीतोष्ण चक्रवात के प्रोस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये कोल्ड विंड आ रही है ये, और ये हॉट विंड आ रही है। तो जैसे अभी पहले डायग्राम लाया था कि कोल्ड विंड जो है, कोल्ड विंड की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, तो कोल्ड विंड जो है वो
भारी होती है, उसके वो उसका डेंसिटी तो जो है वो ज़्यादा होता है, टेम्परेचर उसका कम होता है। उसके अलावा जो हॉट विंड है उसकी वो हल्की होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि जब कहाँ कहीं पे आके मिलती है तो एक संक्रमण जोन बनता है जहाँ पर कि वाताग्र की उत्पत्ति होती है। और यही वाताग्र जो है वो चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक होता है। और अगर चक्रवात के हम लाइफ साइकिल की बात करें तो चक्रवात की जो लाइफ साइकिल है वो ये इन छः चक्रवात की जो लाइफ साइकिल है वो इन छः चरणों में पूरी होती है। ठीक है, पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण का जो अगर फिगर देखें तो ये है। पहले चरण में क्या होता है कि कोल्ड विंड और हॉट विंड, वार्म विंड जो है वो मूव करती है, और चूँकि ये जो है एक दूसरे के समानांतर मूव कर जाती है, ठीक है, तो कोई तो स्टेशनरी वाताग्र जो है स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। इसको हम लोग इनिशियल साइकिल भी कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोल्ड विंड है इधर से मूव कर रही है और हॉट विंड जो है ये मूव कर गई, इन दोनों के बीच में कोई कन्वर्जेंस जोन जो है, कोई संक्रमण क्षेत्र नहीं। पहला चरण जो है उसे हम इनिशियल फेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोल्ड विंड और जो वार्म विंड है वो एक दूसरे में मिल नहीं पाती है, कन्वर्ज नहीं हो पाती है और समानांतर क्रॉस कर जाती है, जिससे कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्टेशनरी फ्रंट्स जो है उसका निर्माण होता है। तो ये आपका पहला फेज़ हो गया। दूसरे फेज़ में क्या होता है, दूसरे फेज़ में क्या होता है कि जो कोल्ड विंड है और जो हॉट विंड है वो अपने एक दूसरे में इंटर करने की कोशिश करती है और एक लहर नुमा आकृति बनती है। ठीक है, इसे वेव स्टेज कहा जाता है। तीसरा स्टेज जो होता है, तीसरा स्टेज मैच्योर स्टेज होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो हवा होती है, मान लीजिए अगर हम इसको थ्री डायमेंशनल में अगर हम बनाएं, थ्री डायमेंशनल में हम देखें तो सपोज इधर कोल्ड विंड है और इधर हॉट विंड है, तो क्या होता है कि जो हॉट विंड है वो कोल्ड विंड में इंटर करने की कोशिश करती है और ये इंटर कर भी जाती है। ठीक है, तो जब इंटर कर जाती है तो जो कोल्ड हॉट विंड होती है, जो गर्म हवा होती है, चूँकि वो हल्की होती है, हल्की होने के बाद गर्म हवा ऊपर की ओर मूव करने लगती है, तो ये वाला स्पेस जो है, जो जहाँ से गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो वो जो क्षेत्र है वो खाली हो जाता है और उसको भरने के लिए जो है कोल्ड विंड मूव करना शुरू कर देती है। तो ये मैच्योर फेज़ है, मैच्योर स्टेज है। इसमें जो है आपके वार्म फ्रंट का, कोल्ड फ्रंट का, वार्म सेक्टर का, कोल्ड सेक्टर का, इसका इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और समदाब रेखाएं भी जो है वो पूरी तरीके से, जो ये सब जो रेखाएं हैं ये समदाब रेखाएं हैं, ये समदाब रेखाएं भी पूरी तरीके से गोल हो जाती हैं। अगर हम बारिश की बात करें तो वार्म फ्रंट के पास जो है, वार्म फ्रंट के पास बारिश हल्की होती है लेकिन लंबी होती है। वार्म फ्रंट के क्रॉस करने के बाद वार्म सेक्टर आता है, वार्म सेक्टर में बारिश जो है वो नहीं होती है, उष्णवृत्तांश भी इसको कहते हैं। और वार्म सेक्टर जब क्रॉस कर जाता है तो फिर आपका कोल्ड फ्रंट आता है, कोल्ड फ्रंट में मूसलाधार बारिश होती है और कम समय के लिए होती है। उसके बाद फिर आपका कोल्ड सेक्टर आ जाता है जिसमें फिर बारिश जो है वो रुक जाती है। चौथे स्टेज में भी यही होता है, जो आपका वार्म सेक्टर है, चूँकि कोल्ड फ्रंट जो है वो काफ़ी आक्रामक हुई रहती है, तो ये जो है वार्म फ्रंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और वार्म सेक्टर जो है वो धीरे धीरे करके संकीर्ण हो जाता है। अगर हम पाँचवें स्टेज की बात करें तो पाँचवें स्टेज को में चक्रवात का अवसान शुरू हो जाता है। इसको अक्लूडेड स्टेज भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि अधिविष्ट वाताग्र बनता है। इसमें मुख्य रूप से अधिविष्ट वाताग्र बनता है। इसमें होता है क्या है कि जो कोल्ड फ्रंट है वो वार्म फ्रंट
में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और जो वार्म सेक्टर का जो एरिया होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब उसका ज़मीन से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। अगर इसका जैसे ये देखेंगे ये ग्राफ हो जाता है, तो ये भी आपका कोल्ड सेक्टर हो जाता है, ये भी आपका कोल्ड सेक्टर हो जाता है, और जो वार्म एरिया होता है ये ज़मीन से ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इसको अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है और इसमें चक्रवात का अवसान हो जाता है। और छठा स्टेज होता है, छठा स्टेज में चक्रवात जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और वापस जो है ठंडी हवा और जो गर्म हवा है वो पैरेलल बहना शुरू कर देती है। ओके, तो ये था आपका पोलर फ्रंट थ्योरी। थैंक यू।